So hello, good morning everyone, my everyone. So I am coming from Kolkata. तो हम आए हैं कोलकाता और यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाएंगे। ये फिलहाल यहाँ का नज़ारा है, बट आगे फिर लेकर फिलहाल में तो अभी सुबह सुबह पहुँचा हूँ, थोड़ा रात भर सोया नहीं उसका, तो इसलिए थोड़ा मैं दिक्कत हूँ। बट देख रहे होंगे मेरे पीछे जो कि हावड़ा का हावड़ा स्टेशन का जो हावड़ा जंक्शन का जो ये है, और ये सामने में पार्क उठ है, तो हम पार्क ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मेरा काम है, तो इसीलिए मैं काम के सिलसिले से मैं इधर आया था। तो काम में मैं जाऊंगा, बट अभी थोड़ा इधर दिखा लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा हावड़ा ब्रिज होकर उस पार जाऊंगा मेरा, क्योंकि मेरा काम उस पार है। तो आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे जो मेरा साथ हो सकता है आपके लिए, उतना हम कोशिश करके दिखाएंगे और यहां का नज़ारा कुछ दिखाते हैं आपको। चलो दोस्तों, ये तो है हमारा मतलब कि हावड़ा जंक्शन के बाहर का नज़ारा, और हमको बाहर से हमारा जो हावड़ा ब्रिज है वो पास में ही दिखाई देता है, तो मैं आपको फ़िलहाल थोड़ा उसको मैं दिखाता हूँ कि दूर से नज़ारा कैसा दिखता है। फिर अंदर हम जाएंगे तो मतलब पास से जाएंगे तो कुछ अलग दिखाई देगा, दूर से कुछ अलग दिखाई देगा, तो इसीलिए मैं पहले आपको यहाँ से दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा कैसे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, काहे कि मैं सुबह सुबह पहुंच गया हूं, तो ये रहा हावड़ा ब्रिज और इधर रहा हावड़ा स्टेशन जंक्शन, और मैं अभी इधर से जाऊंगा इधर होके, इधर मेरा धर्मतल्ला में काम है थोड़ा, तो मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा। फ़िलहाल यहां का बादशाह वैसे ही है, और यहां का नियम ये नियम है कि लड़का लोग एक साइड बैठेंगे, लड़के लोग एक साइड बैठेंगे, ऐसा होता है यहाँ का नियम। और हम लोग जाएँगे उधर और आपको हम लेके भी जाएंगे, उधर दिखा के जाएंगे जो कि नदी, जो कि हुगली नदी के किनारे जो कोलकाता शहर बसा हुआ है, तो उसी में हम आपको लेके जाएंगे। और आज तो मेरा ब्लॉग तो जो हिंदी में हो रहा है, क्योंकि मैं हर बार मैं सादरी में कर रहा था, लेकिन इस बार मैं हिंदी में कर रहा था, तो थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब कि कुछ मतलब क्या बोले थोड़ा गलत हो सकता है, तो वो सब एडजस्ट कर लेना। और हम आपको दिखाएंगे व्यू अच्छा से, और ये रहा पहले इधर का हावड़ा ब्रिज का पहला स्टार्टिंग, और इधर हम लोग उधर जाएंगे, ये रहा हमारा हावड़ा ब्रिज, और जो कि यहाँ बहुत ही मतलब ज़्यादा हर वक्त मतलब के हर वक्त यहाँ पे बस उस आना जाना करता रहता है। तो फिलहाल हम लोग पहले तो आगे तरफ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ का एक लड़की जो कि नेहा रोजा लकरा। चलो दोस्तों, ये रहा हमारा हावड़ा ब्रिज का मतलब का ऊपर का नज़ारा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम सा खुला सा हवा सा थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बट यहाँ देख सकते हो कैसे दिखाई दे रहा है, और फिलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर कोई आके अभी अभी पहुँचे होंगे, तो जो है वो नहीं देखे होंगे यहाँ का कोलकाता का नज़ारा, जो पिक्चर में देखते हो ये आप लोग समझ लो कि रियल में देख रहे हैं। और इधर देख सकते हो जो नदी है उसके अंदर जो है जो कि बोट मतलब कि बड़ा वाला सी जो बोलते हैं वो रहा, तो वहीं खड़े हैं नहीं आ रहे हैं, आउट साइड में बिल्डिंग वगैरह है वो आप लोग देख। और मैं फिलहाल जाऊंगा, सुबह ब्रश नहीं लाया हूँ, दातुन घस रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मतलब बहुत दिन के बाद ये दातुन मिल रहा है, तो मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन दांत थोड़ा साफ नहीं होगा, वैसे भी मेरा दांत साफ नहीं है थोड़ा। हर कोई देख के बोलता है तू पुड़िया खाता है, अरे वो तो खाना चीज़ है, कोई थोड़ी ना बिगेगा, वो तो खा ही लेंगे ना। और मेरा काम है उस तरह जो कि धर्मतला बोल के वहाँ पर हम जाएँगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये नज़ारा रहा। हम फिलहाल चलते हैं नदी के उस पार, फिर थोड़ा बहुत हम भी फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ मिलते हैं। देखते होंगे कोलकाता में जो कि फूल का ज़्यादा चर्चा होता है, फूल का भी गोदाम है,
तो फूल का गोदाम जो है ये रहा उधर से हावड़ा ब्रिज से आएंगे ब्रिज के नीचे, यहाँ पे फूल का गोदाम बहुत सारा है। आप हो सके तो यहाँ खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा फूल फूल का गोदाम है। कैसा कैसा हो तो हम कुछ हाँ हम आए थे एक बार, लेकिन इधर घूम घाम के गए हैं, बट देख रहे हैं इस बार। और बहुत बड़ा यहाँ पे फूल का गोदाम है, और फिलहाल हम तो देख सकते हैं यहाँ पे सब खाँचा उचा में रखा हुआ है, और देख सकते हैं यहाँ पे फूल गोदाम। ये जो ब्रिज का नीचे है देख सकते हैं हम लोग, लोग कैसा कैसा है वो तो पता नहीं, लेकिन इतना सारा है मतलब कि मतलब सस्ता में हो। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रुको दिखा रहे हैं, ये तो रहा पूरा गोदाम, गोदाम का गोदाम, गोदाम का बाप रहा यहाँ पे। और बता सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोदाम है फूल का गोदाम, देख सकते हो मतलब कि वो जो क्या फूल बोलते हैं वो कैसे सजा के रखे हुए हैं, जैसे दिख रहा है कुछ माड़ी उड़ी है जैसे। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है फिलहाल के लिए, लेकिन फिलहाल मेरा तो इतना जल्दी काम नहीं होगा, मेरा 10 बजे लगभग काम होगा, तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ घूम रहा हूँ। और ये कौन सा फूल है पता नहीं, फिलहाल नीचे घाटी तरफ जाएंगे, वो उधर जाएंगे तो हम ऊपर घाटी पहुँचेंगे, इधर जाएंगे तो नीचे घाटी पहुँचेंगे। तो हम थोड़ा सहलो फ्रेंड मैं यहाँ पे आया हूँ जो कि कोलकाता का चांदनी चौक मार्केट, और यहाँ पे हर चीज़ पे सस्ता मिलता है। आप लोग कभी आओगे तो धर्मतल्ला टीपू सुल्तान मस्जिद के अंदर आ जाना, कभी भी घुस जाना इधर, यहीं पे होता है। और ये मेरा भाई का दुकान है जो कि यहाँ से हम कवर लिए, और मेरा स्क्रीन गार्ड लगाई सस्ता में लगाई, लिबेंडी प्लस 80 रुपये में लगाई तो बहुत ही सस्ता लगा। और ये लोग भाई का दुकान है, देख सकते हो रोड के बाजू में ही है, कभी आओगे तो आप भी देख सकते हो। चांदनी चौक मार्केट का ये फर्स्ट गली है, लेफ्ट साइड में पड़ेगा, तो फिलहाल काफ़ी आना तो यहाँ पे विजिट कर लेना। और हम तो फिलहाल अभी चलते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। क्या बोले, और मेरा दो तीन बच्चे हैं मतलब मेरा दादा लोकल का बेटा बेटी है, तो उन लोगों के लिए हम खरीदे हैं दो तीन, क्या बोले तो उनके लिए कपड़े कुछ खरीदे हैं, तो वो भी बहुत सस्ता में मिला है, तो हम उसको लेके जाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, फिर इधर से अभी जाएंगे हम ईडन गार्डन, फिर ईडन गार्डन से उधर मेरा रात को ट्रेन है, तो मैं रात को ट्रेन पकड़ूंगा, फिर सुबह को मैं मेरा राउरकेला हाजिर। आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग जाएंगे अभी कुछ वक्त है बट हम मेट्रो गली में थोड़ा काम है वहाँ पर काम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे ईडन गार्डन, ईडन गार्डन साइड में जाएंगे उगले नदी के ब्रिज के नीचे जो कि पार्क वगैरह है। फिलहाल के लिए बाय बाय। सो दोस्ती मन हम लोग का भी खरीदे, सब कुछ खरीद दिए, और ये भैया से मेरा सीनियर के लिए जूता लेके जा रहे हैं, हाँ कि नहीं, जूता लेके जा रहे हैं। अभी राउरकेला जाएंगे, कोलकाता आए हैं, और हम एक बेड खरीद लिए, जितना खरीदना था उतना खरीद लिए, और अभी इधर से निकलेंगे, बस मिल जाएगा ना फटाफट, बस मिल जाएगा फटाफट। लेकिन यहाँ का रूल रेगुलेशन ना एक अच्छा है, लड़की एक तरफ बैठेगा लड़का एक तरफ बैठेगा, हाँ ऐसा अच्छा। अब तो हाँ फिलहाल वीडियो में तुम लोग बने रहो, हम लोग का भी निकलेंगे क्योंकि मेरा ट्रेन भी है, तो ट्रेन को भी पहुँचाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं तो खरीद लिया, और कभी हो सके तो आप लोग भी आना, लेकिन गलती से भी एक एक दुकान में ना अकेले मत घुसना, माँ कसम ये लोग होते हैं ऐसा, कभी कभी ना जबरदस्ती करके बुला लेते हैं, और वो फिर क्या क्या सब बोल देते हैं, बोलते हैं जबरदस्ती लिया करते हैं, तो उसीलिए आप कभी आएंगे तो अकेले मत घुसना। अब देख के घुसिएगा, इतने में वीडियो में बाय बाय। और फिलहाल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हर बार जल्द से जल्द पहुँचते रहे। और यहाँ दिखते रहे होंगे जो हमारा यहाँ जूता का गोदाम है, और यहाँ पे हर कोई सस्ता मिलता है, बट हर जगह में हर चीज़ सस्ता नहीं होता, तो कोई ना कोई खराब नहीं होता है। तो आप लोग कभी आइएगा तो कहीं नया जगह ना थोड़ा देख के जाइएगा। और फिलहाल हम लोग टीपू सुल्तान मस्जिद के पास है, यहाँ से बस पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे हम लोग खड़ा स्टेशन, वहाँ से घर। ओके बाय बाय। यहाँ का ट्रैफिक देख सकते हो पूरा जाम जाम है बहुत ही ज़्यादा, और हम लोग उधर पार भी हो नहीं पक रहे हैं क्योंकि मैं अकेला हूँ, मज़ा तो नहीं आ रहा, फिर भी क्या करें चलाना पड़ता है।
Thank you.